गाजियाबाद से खबर है, पश्चिम यूपी की नब्ज टटोलने में जुटी बीजेपी। गाजियाबाद मेरठ पहुंचे राधा मोहन सिंह, बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह वेस्ट यूपी के दौरे पर हैं। वहीं पार्टी पदाधिकारियों के साथ गोपनीय बैठक भी की। बैठक का एजेंडा कुछ और बताया। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। वहीं जमीनी स्तर पर उतरने को तैयार है बीजेपी। पश्चिम यूपी की नब्ज टटोलने में जुटी बीजेपी। बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह वेस्ट यूपी के दौरे पर हैं। और इसी खबर को लेकर गाजियाबाद से हमारे साथ जयवीर मावी जी जुड़ चुके हैं। जी जयवीर मावी जी, पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बीजेपी यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह गाजियाबाद दौरे पर हैं, तो और उन्होंने गोपनीय बैठक भी की, तो इस बैठक में किन विषयों पर चर्चा की गई? देखिए, आपको बता दें कि जो राधे मोहन है भाजपा के प्रभारी हैं और गाजियाबाद के अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में वो घूम रहे हैं। हालांकि अगर कार्यक्रम की बात करें तो कार्यक्रम बताए जा रहे हैं कि सेवा ही संगठन जो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम प्रदेश में चलाया जा रहा है, जिसमें जो चाहे खाना बांटने की व्यवस्था हो या फिर पेड़ लगाने की पौधारोपण का कार्यक्रम था, जिसको लेकर राधे मोहन गाजियाबाद पहुंचे थे। और जो अधिकारियों की गोपनीय बैठक की बात करें तो अगर सूत्रों की हम बात करते हैं तो सूत्रों के अनुसार 2022 के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े अधिकारी हैं, तमाम जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर जा रहे हैं और जो मतदाता है, उसके अलावा जो पार्टी के पदाधिकारी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो तमाम यहाँ पर जिस तरह से जो गुटबंदी चल रही है, अगर हम पश्चिम उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की बात करें या लोनी की बात करें, तमाम जगह पर भाजपा के अंदरूनी जो कलह है उसको भी कहीं ना कहीं दूर करना एक बड़ा सवाल कहा जा सकता है। और 2022 का चुनाव, क्योंकि संभावनाएं जताई जा रही है कि 2022 का चुनाव फरवरी या मार्च में उत्तर प्रदेश में होगा, उसको लेकर जो अभी से ही भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कमर कस चुकी है और तमाम जो दौरे हो रहे हैं, तमाम जो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं अब चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी को लेकर जो राधे मोहन जी हैं वो गाजियाबाद भी पहुंचे थे। हालांकि जो कार्यक्रम था वो वृक्षारोपण का कार्यक्रम था, सेवा ही संगठन संस्था के माध्यम से जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उस वृक्षारोपण के कार्यक्रम में पहुंचे थे। उसके बाद जो पार्टी के जो पदाधिकारी से उनसे व्यक्तिगत तौर पर मंत्रणा की गई, बात की गई थी। और हालांकि उस उन सभी बातों का जो खुलासा करने की बात कही तो जो पार्टी पदाधिकारी उनका कहना था कि केवल वृक्षारोपण को लेकर बात हुई है और वृक्षारोपण के ही कार्यक्रम में यहाँ पर पहुंचे थे। यानी कहा जा सकता है जो अंदरूनी जो तैयारियां हैं पार्टी पूरी तरह से जमीनी स्तर पर कर रही है। और 2022, क्योंकि अगर हम 2022 के चुनाव को देखते हैं तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाजपा सबसे कमजोर नजर आ रही है, क्योंकि किसान आंदोलन की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रभावित किसान आंदोलन पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को करेगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तैयारी करे, मैं आपको बता दूं कि जो किसान नेता है नरेश टिकैत, उन्होंने साफ कहा था कि जिस तरह जो किसान यूनियन है, जब बंगाल में चुनाव हुआ था, जहां जहां पर चुनाव होंगे भारतीय किसान यूनियन वहां पर जाएगी और पार्टी का विरोध करेगी। तो कहीं ना कहीं जो अंदरूनी जो खबरें आ रही हैं, निकलकर जो खबरें आ रही हैं, उनके अनुसार भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं या फिर जो देहात की हम बात करें, वहां पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में तमाम जो लोग हैं उनकी नब्ज टटोलने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से जो सूत्रों की बात करें, खबर आ रही थी कि जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक हैं उनमें से लगभग 50% जो विधायक है, उन विधायकों के टिकट भी जो कटने की बात थी, जो बदलाव होगा, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उन विधायकों का जो विकल्प है उन पर भी विचार कर रही होगी, क्योंकि जो सिटिंग विधायक है जब उनके टिकट कटेंगे तो कहीं ना कहीं
वो विधायक भी पार्टी को नुकसान देने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह एक तरफ भारतीय किसान यूनियन या जो किसान नेता जिनको कहा जा सकता है, जो किसान सरकार के विरोध में डटे हुए हैं बॉर्डर पर, दिल्ली के तमाम जगह पर, और उनका विरोध वहीं जो असंतुष्ट विधायक होंगे जिनका टिकट कटेगा, तो कहीं ना कहीं पार्टी इन सभी की तैयारियों में जुटी हुई है। आपने बात की किसान नेता की, राकेश टिकैत की, तो राधा मोहन सिंह जब गाजियाबाद पहुंचे तो बैठक की तो उन्होंने किसानों का भी मुद्दा रखा और उन्होंने यह भी कहा कि किसान का आंदोलन खत्म होना चाहिए और खत्म करने की तैयारी करेंगे। तो क्या किसान का जो आंदोलन है उसे किस तरह से खत्म किया जाएगा, क्या जो किसानों की मांग है उनको पूरी करेगी सरकार? देखिए, जिस तरह से जो किसानों की जो जिद है, जिसको मैं जिद कह सकता हूँ क्योंकि पिछले 7 महीने से ज्यादा किसानों को दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर बैठे हुए हो चुके हैं, वो अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। राकेश टिकैत हो या फिर किसानों के अन्य नेता हो, उन्होंने साफ कर दिया कि जब तक बिल वापसी नहीं होगी तब तक घर वापसी नहीं होगी। कहने का मतलब है कि जो किसानों की जो वार्तालाप होगी, जो सबसे पहली बैरियर एक्ट जिसको कहा जा रहा है, हालांकि पहले जो शुरुआत के दौर में जब ये आंदोलन था तब पहली बैरियर एक्ट MSP था, लेकिन अब किसानों की मांग है कि सबसे पहले जो बात है वो कानून वापसी पर होगी, उसके बाद अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी। तो कहीं ना कहीं सरकार की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार ने, जो देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने साफ कर दिया था कि जो कृषि बिल है वो वापसी नहीं होंगे और किसान इस बिल की वापसी के बगैर कोई बात करने को तैयार नहीं। तो ये गतिरोध है, यह एक अलग तरीके का गतिरोध है, इस पर कहा नहीं जा सकता कि कब कौन बैकफुट पर आ जाए और किस तरह से जो योजना है, क्योंकि अभी राकेश के जो भाई हैं बड़े नरेश टिकैत जी, उनसे हमारी कुछ ही दिनों पहले लोनी आने पर कार्यक्रम के दौरान बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि जो राजनाथ सिंह जी है, भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जिस तरह वो चाहेंगे उनको बीच में रख सकते हैं, उनकी बातों को किसान मान सकते हैं। तो किसानों ने हालांकि इशारा दिया था निर्देश बातों ही बातों में कि जो राजनाथ सिंह है उनसे वो बात कर सकते हैं, उनकी बातों को मान सकते हैं, और राजनाथ सिंह जो कहेंगे उस बात को किसान नेता मान सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उन सब चीज की नब्ज टटोल भी रहे हों और जो किसान है उनसे बात हो। अब हालांकि इस विषय पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि सरकार की तरफ से कोई निर्देश, राजनाथ सिंह को लेकर कोई बातचीत, कोई चर्चा अभी तक नहीं आई है। हालांकि पहले किसानों ने कहा था कि जो केसी त्यागी है उनको मध्यस्थ बनाया जा सकता है, लेकिन सरकार ने उनको मध्यस्थ नहीं बनाया। लेकिन सरकार की हम बात करें, सरकार ने साफ कर दिया है कि जो कृषि बिल है वो वापसी नहीं होगा। तो जब किसान और सरकार की जो गतिरोध की बात करें, जो चाहे इसे जिद कह सकते हैं या किसानों की या सरकार की हठधर्मिता भी कह सकते हैं कि जब बिल वापसी नहीं होगा, बात नहीं होगी, तो किस तरह गतिरोध टूट पाएगा वो अलग चर्चा का विषय है। लेकिन अगर राधा मोहन जी की हम बात करते हैं तो वो अभी जो वोटर हैं या जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनकी नब्ज टटोल रहे हैं कि जो किस तरह के पार्टी चुनाव लड़ेगी, किस तरह के जो बदलाव किए जा सकते हैं, कहाँ कहाँ बदलाव की संभावनाएं हैं, और बदलाव के तौर पर अगर हम बात करें तो उनके विकल्पों पर भी चर्चा की जा रही है, सर्वे किए जा रहे हैं, अंदरूनी चर्चाएं चल रही है और सर्वे चल रहे हैं कि कहाँ पर किस व्यक्ति को इस बार भाजपा से उम्मीदवार बनाया जाए। तो कहा जा सकता है कि हालांकि पार्टी पदाधिकारियों की बात करें, पार्टी के प्रोटोकॉल की बात करें, तो केवल पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो मीडिया को खबरें दी जा रही है वो यही दी जा रही हैं कि जो राधे मोहन जी हैं भ्रमण पर हैं, लेकिन उनका जो कार्यक्रम है, जो सेवा ही संगठन नाम की जो संस्था इस समय जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम चला रही है जमीनी स्तर पर, गाजियाबाद के तमाम जगह हो या प्रदेश में कहीं भी, वहां पर जो भोजन वितरण की व्यवस्था की गई थी, उसके अलावा अन्य तमाम चीजें जो आम जनता से जुड़ा हुआ भाजपा के, आपने बोला कि सेवा ही संगठन है, इस पर इसी तर्ज पर राधा मोहन सिंह ने वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी किया एक संस्था के थ्रू, और उन्होंने ये भी कहा मेरा बूथ कोरोना मुक्त, ये 2-3 एजेंडे उन्होंने बताए। क्या इन एजेंडों को लेकर के आने वाले जो 2022 के जो चुनाव हैं, विधानसभा चुनाव हैं, उन पर क्या ये असर डालेगा? क्या ये जो एजेंडा है इतना काफ़ी है विधानसभा चुनाव को लेकर के? विधानसभा उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन सरकार के चुनाव को प्रभावित करेगा, ऐसी जो लोगों की जो भावनाएं, जो लोगों की जो चीजें हैं, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान बसते हैं, किसान रहते हैं और खेती किसानी ही मुख्य व्यवसाय जो ग्रामीण है उनका है। लेकिन जिस तरह सेवा ही संगठन नामक जो कार्यक्रम पार्टी द्वारा चलाए जा रहे हैं, लगभग पिछले कई दिन काफी लंबे समय से, कोरोना काल में भी सेवा ही संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, अगर हम बात करें गाजियाबाद के जिला उपाध्यक्ष राहुल बैसला, उन्होंने लगातार
भोजन वितरण किया था। उस भोजन वितरण कार्यक्रम में तमाम पार्टी के जो कार्यकर्ता, जिला स्तर के जो कार्यकर्ता थे, जो जिला स्तर के पदाधिकारी थे, वो पहुंचे थे। उन्होंने वहां पर उस सेवाएं दी थी। तो लोगों के बीच जाने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है, ऐसा कहा जा सकता है कि सेवा ही संगठन के माध्यम से भाजपा एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है और जमीनी स्तर पर उतर कर लोगों के बीच पहुंच रही है, लोगों से बात कर रही है, लोगों के जो विचार हैं उनको सुन रही है। वहीं जो पार्टी की जो नीतियां होंगी उनको भी पहुंचाने का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। पार्टी ने जो कार्य किए हैं पिछले 5 वर्ष में उनको भी यहाँ पर बताया जाता है जब वहां पर लोग पहुंचते थे। लेकिन जिस तरह से चुनाव की हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सेवा ही संगठन एक कार्यक्रम है, ये लोगों को जी बिल्कुल बिल्कुल। जयवीर महावीर जी, जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो आपको बता रहे हैं पश्चिम यूपी की तैयारी में है बीजेपी और गाजियाबाद मेरठ पहुंचे राधा मोहन सिंह।